हे थीम लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के कस्टमाइजेशन के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम अपने डिवाइस पे दी मोस्ट इफेक्टिव होम स्क्रीन सेटअप करने वाले हैं, जो ना ही दिखने में काफी अट्रैक्टिव होगा बल्कि डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल भी होने वाला है। तो अगर आप भी अपने बोरिंग से होम स्क्रीन को मोस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं ये सेटअप आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशंस के वीडियोस मिलती रहे। वैसे दोस्तों, अगर आप एक अप्रोक्स टू 1UI7 थीम की तलाश में हैं, तो ऊपर कार्ड में एक थीम की वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट करना ना भूलें। अब आते हैं आज की दी मोस्ट इफेक्टिव होम स्क्रीन सेटअप की तरफ, जहां पे दो वॉलपेपर सेटअप के साथ ये लेआउट्स देखने को मिलेंगे। वहीं इस सेटअप के लेआउट की बात करें तो सबसे पहले टॉप पे एक स्क्रीन ऑन टाइम का विजिट देखने को मिलेगा, जिसमें हमें दो सेक्शंस देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में स्क्रीन टाइम विथ बार चार्ट और राइट साइड में एप्स रनिंग टाइम। वहीं इसे अगर टैप करें तो हम करेंट डे की अपनी स्क्रीन टाइम की यूसेज प्लस पूरे वीक का डिटेल्स भी देख सकते हैं, और ये डेली यूसेज के लिए काफी हेल्पफुल भी है। सेकंड विजिट जो मैंने यहाँ पे प्लेस करी है वो है कैलेंडर विजिट, जो कि एक iOS विजिट भी है, जिसे अगर हम टैप करेंगे तो ये डायरेक्टली कैलेंडर पे ले जाएगा, और ये भी काफी यूजफुल है डे टू डे यूसेज के लिए। नेक्स्ट यानी के थर्ड विजिट जो मैंने यहाँ पे प्लेस करी है वो है स्टोरेज क्लीनर, जिसे के हम डायरेक्टली यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, और ये भी डे टू डे यूसेज के लिए काफी हेल्पफुल है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजिट जो मैंने यहाँ पे प्लेस करी है वो है गूगल सर्च बार, जिसे अगर मुझे कुछ सर्च करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, जो कि अगेन डेली यूसेज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो गए इस सेटअप के विजिट्स। अब आते हैं एप्स के तरफ, जहाँ पे मैंने जो एप्स यूज किए हैं वो है वेदर, गैलरी, कैमरा, प्ले स्टोर, फाइल मैनेजर, म्यूजिक, व्हाट्सएप और एक मोर एप्स का फोल्डर, जहाँ पे डेली यूसेज वाले एप्स हैं। इसके अलावा डॉक में डायलर, क्रोम, मैसेज और कॉन्टेक्ट्स को प्लेस किए हैं, जो डेली यूसेज में काफी काम आने वाले हैं। वहीं अगर आप नोटिस करेंगे तो ये विजिट्स और एप्स के कलर इस सेटअप के साथ काफी अच्छी तरह से मैच हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इस लेआउट को सेटअप किया जाए। तो सबसे पहले इन विजिट्स को प्लेस करते हैं, और उसके लिए जाना होगा विजिट सेक्शन में, और यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीन टाइम, फिर इसे होम स्क्रीन पे प्लेस करना है। दोस्तों, एक चीज, अगर आपने रीजन में इंडिया सेलेक्ट किया है तो ये विजिट आपको विजिट सेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको रीजन में इंडोनेशिया को सेलेक्ट करना होगा। वहीं सेकंड विजिट के लिए हमें फिर से जाना होगा विजिट सेक्शन में, फिर एंड्रॉइड विजिट, फिर नीचे की ओर आना है और इस iOS विजिट में से इस विजिट को सेलेक्ट करना है। वहीं थर्ड विजिट के लिए फिर से आना है विजिट सेक्शन में, फिर सिक्योरिटी, और इस विजिट को सेलेक्ट करना है। लास्ट और फोर्थ विजिट के लिए हमें फिर से जाना होगा विजिट सेक्शन में, फिर एंड्रॉइड विजिट्स, फिर नीचे की ओर आएंगे और एक ब्लैंक 3x1 या फिर 2x1 को सेलेक्ट करेंगे और इसे एनलार्ज करना है, फिर इस पे टैप करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे 25। वैसे आपको काफी सारे कलर्स के ये विजिट देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हम येलो को सेलेक्ट करेंगे, ताकि ये होम स्क्रीन पे कॉन्ट्रास्ट प्लस इस सेटअप के साथ मैच हो सके। उसके बाद इस लेयर पे टैप करेंगे और इसके स्केल वैल्यू को 57 पे सेलेक्ट करेंगे, फिर सेव, तो यहाँ पे ये विजिट अप्लाई हो जाएगा। बाकी बात रही एप्स की, तो उन्हें आप इजीली अरेंज कर ही लोगे।
वही दोनों वॉलपेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये थी आज की दी मोस्ट इफेक्टिव होम स्क्रीन सेटअप। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह कस्टमाइजेशन पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।